हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज हमारे पास आई है जुपिटर, और दोस्तों जुपिटर हो या एक्टिवा हो सबकी गाड़ियों में पानी जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर गाड़ी की टंकी में पानी जाता है तो किस तरीके से निकाले और क्या स्कूटियों में पानी जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में बताऊँगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्कूटियों में पानी जाता है कि नहीं जाता है। तो दोस्तों अगर स्कूटी है तो जाहिर सी बात है पानी जाता है, और पानी अगर पेट्रोल से जाता है या टैंक से जाता है या फिर कहीं से पेट्रोल टंकी से जाता है, कहाँ से जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए पेट्रोल में पानी जाता है तो कहाँ से जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास बाइक है तो आपने देखा होगा अक्सर बाइकों में बरसात के टाइम में बाइकों में पानी चला जाता है। अगर आपके पास स्कूटी है तो स्कूटियों में 100 में से 1% स्कूटी में पानी जाता है, ठीक है दोस्तों। हर एक गाड़ियों में नहीं जाता है, उसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि उसमें जो बने हुए टैंक का ढक्कन, ठीक है दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये इसका जो टैंक का ढक्कन बना हुआ है किस तरीके से बना हुआ, किस प्रकार से बना हुआ है, ये पूरा सील्ड होता है। ये यहाँ से पूरा सील्ड होता है और ये अंदर साइड होता है और यहाँ पे पाइप लगी रहती है, यहाँ से पानी जो है सब निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से एक्टिवा में भी होता है, जैसा कि अगर आपके पास एक्टिवा है तो एक्टिवा में भी इसी प्रकार से होता है, और जो एक्टिवा होती है वो भी सीट के नीचे होती है। इसलिए एक्टिवा और जुपिटर में ये जितनी भी स्कूटियाँ होती है 90% उनमें पानी नहीं जाता, और जो भी टंकियाँ होती है बाइक की टंकियाँ होती है उनमें लॉक ऊपर होता है, इस वजह से उनमें जल्दी जल्दी पानी चला जाता है, ठीक है। तो होता है कि स्कूटियों में जल्दी पानी नहीं जाता और बाइकों में जो है तुरंत पानी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो आपको हमने दिखाया था वहाँ से जो है टंकी ढक्कन से पानी नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा सील्ड होता है और यहाँ से ओवरफ्लो की पाइप होती है डायरेक्ट नीचे जाती है, और नीचे जा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जो है यहाँ पे पाइप लगी रहती है, यहाँ से निकल आता है पानी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो बाइकों में होता है, बाइकों में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से टैंक का ढक्कन बना होता है और यहाँ से जो है साइड से पानी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि टंकी में पानी जो है अधिकतर बाइकों में जाता है और स्कूटियों में नहीं जाता। स्कूटियों में क्यों नहीं जाता, स्कूटियों में जाना जाने का कारण मैंने आपको बता दिया, और बाइक में कारण मैंने आपको बता दिया। मैंने देखा अक्सर मैं बाइकों में जो है, बाइकों में जो इसको पानी होता है वो मैं बाइकों में बहुत मान लीजिए 100% मैंने बाइकों में पानी निकाला, लेकिन स्कूटियों में एक भी पानी नहीं निकाला है। इसका मतलब है कि स्कूटियों में पानी जल्दी से नहीं जाता है, बाई चांस जा भी सकता है, लेकिन मैंने जो है आज तक जो हो गया स्कूटियों में पानी नहीं निकाला, और बाइकों में मैंने 100 में से 100% पानी निकाला। हमेशा पानी बाइकों में भर जाता है और मेरे को निकालना पड़ता है, और स्कूटियों में पानी नहीं निकालता। तो दोस्तों बहुत से लोग बताते हैं कि पेट्रोल पंप के द्वारा जो है पानी गाड़ियों में जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनके जो पेट्रोल टैंक के पंप बने होते हैं, जो टैंक बने होते हैं वो नीचे बने होते हैं, और बरसात का पानी उसमें भरता है और चला जाता है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके जो पेट्रोल टैंक से अगर टंकी से पानी जाता है, अगर आपको पेट्रोल टंकी से आपकी गाड़ी में पानी जाता है तो स्कूटियों में क्यों ये प्रॉब्लम नहीं आती है? अगर स्कूटियों में प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए पेट्रोल स्कूटी और बाइक दोनों में सेम डलाते हैं तो स्कूटियों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, और बाइकों में ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि बाइक की टंकी में जो है पानी चला जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पेट्रोल टंकी से जो है पेट्रोल पंप से टंकी से पेट्रोल जो है पानी चला जाता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है सोच है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अधिकतर देखिएगा स्कूटियाँ जो होती हैं स्कूटियों में टंकी साफ कभी नहीं हमने की है, और जो बाइकों की टंकी होती है वो अक्सर हम साफ करते रहते हैं, और उसमें पानी चला आता है, उसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आती है, झटके की प्रॉब्लम आती है, इस प्रकार की कई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में पानी चला भी जाता है, मान लीजिए स्कूटी में पानी चला जाता है, तो सबसे सिंपल तरीका है स्कूटी में पानी निकालने का, ठीक है दोस्तों, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है आपको कि यहाँ कार्बोरेटर के नीचे से जो ओवरफ्लो की पाइप वो नट होता है उसको खोल लेना है, और खोल करके निकाल लेना है, ठीक दोस्तों।
और दूसरी चीज क्या है कि इसको ढक्कन को खोल लेंगे, जैसा कि है ये इस तरीके से खोल लेंगे, इसमें पाइप डालेंगे, नॉर्मल से कोई भी पाइप डालिएगा और पाइप डाल करके खींचेंगे और सीधा टैंक इसका सामने होता, ना ही इधर होता ना इधर होता है, तो इसमें हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं, सीधा लगाएंगे पाइप और पूरा पेट्रोल जो है निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, और बोतल में भर लीजिएगा, उसको फिर साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ किस तरीके से किया जाता है ये भी, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूटियों में पानी जाता है कि नहीं जाता और बाइकों में जो पानी होता है वो क्यों नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।